नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। अवेकनिंग इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम जहां भारत जागरण के लिए स्वामी विवेकानंद ने जो विचार रखे, जो प्रयास किए, उन्हें एक बार फिर याद करते हैं, युवाओं तक पहुंचाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो विचार आज भी कितने मौजूद हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं, लेकिन क्या आज भी उन विचारों को हम आजमा पा रहे हैं, उनका सम्मान कर पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, आज इस मसले पर अवेकनिंग इंडिया में हम बातचीत करेंगे कि गुरु शिष्य का संबंध कितना महत्वपूर्ण होता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में रामकृष्ण परमहंस का महत्वपूर्ण योगदान था, उनसे शिक्षा लेने के बाद, और उसके बाद में हमने देखा कि उनके मार्गदर्शन में कैसे स्वामी विवेकानंद ने भारत जागरण के अपने अभियान को आगे बढ़ाया था। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर नरेंद्र कोहली हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। देश के जाने माने साहित्यकार हैं, जाने माने विद्वान हैं और खास तौर पर स्वामी विवेकानंद के जीवन के ऊपर उन्होंने एक विहित उपन्यास लिखा है, यानी स्वामी विवेकानंद के जीवन के पहलुओं को, उनके जीवन की तमाम कहानियों को बहुत नज़दीक से उन्होंने जाना है, समझा है और आप तक पहुँचाया। और आज अवेकनिंग इंडिया के जरिए भी हम कोशिश करेंगे कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बीच में जो संबंध था, गुरु शिष्य का ये जो रिश्ता था, इसको आपके सामने रखें। लेकिन आपसे बातचीत करें उससे पहले हमेशा की तरह हम दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने इस जीवन की शुरुआत की थी, यानी भारत जागरण अवेकनिंग इंडिया मिशन की शुरुआत की थी और कैसे भारत से लेकर शिकागो तक उनके विचारों ने धूम मचाई थी। वो योद्धा सन्यासी जिन्होंने अमेरिका में हिंदू धर्म एवं भारतीय संस्कृति की महानता का प्रचार उस समय किया जब पश्चिम की नजर में भारत असभ्य देश था। श्री राम कृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपना जीवन देश एवं मानव जाति के उत्थान के लिए निवेदित कर दिया। वे दीनहीन, दरिद्र एवं असहाय जनसाधारण के विकास हेतु लालायित थे। वे एक ऐसे महान दूरदर्शी एवं कर्मयोगी थे जिनकी ओजस्वी वाणी सुन सुप्त भारतवासी जागृत हो उठे। उन्होंने अपने गुरु के संरक्षण में कठोर जीवन यापन कर आध्यात्मिक जगत की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और राजाओं से लेकर कंगालों तक सभी प्रकार के लोगों के संपर्क में आए। जनसाधारण की दुखद अवस्था देख उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उनके अनुसार इसका मुख्य कारण था आत्मस्वरूप का अज्ञान। उन्होंने पाया कि पूर्व के दर्शन एवं पश्चिम के विज्ञान के सही मिश्रण द्वारा ही मानव जाति का सम्यक विकास संभव हो सकेगा। स्वामी विवेकानंद की धर्म की परिभाषा आधुनिक विश्व को उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उनके अनुसार धर्म अतीन्द्रिय सत्ता का वो सार्वभौमिक अनुभव है जो संपूर्ण मानव जाति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने विश्व को आत्मा की पवित्रता एवं ऐक्य के आधार पर नैतिकता का एक नवीन सिद्धांत दिया। ये थी स्वामी विवेकानंद के जीवन के ऊपर एक रिपोर्ट और हमने कुछ मिनटों में आपको ये रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की। लेकिन जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया, डॉक्टर नरेंद्र कोहली ने एक वृहद उपन्यास लिखा है और उनका ये कहना है कि वो अभी भी बहुत कुछ लिख सकते हैं और इसके ऊपर वो प्रयास भी करते रहते हैं। यानी स्वामी विवेकानंद का जीवन इतना बड़ा रहा है, उनके जीवन में जितनी घटनाएं हुई हैं वो इतनी प्रेरणादायी रही हैं कि उन पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। ये नटशेल में हमने आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि उनका जीवन कैसा रहा। लेकिन जैसा हमने डॉक्टर नरेंद्र कोहली शुरुआत में बातचीत की, गुरु शिष्य का संबंध ये एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध होता है। आज इसे कैसे देखा जा रहा है, क्या है, ये तो एक अलग मसला है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, ये दो ऐसे नाम हैं जब तक साथ में ना लिए जाए बात पूरी नहीं होती। स्वामी विवेकानंद क्या रामकृष्ण परमहंस के मिशन को ही आगे बढ़ा रहे थे या ये खुद स्वामी विवेकानंद के अपने विचार थे जिन्हें सहारा मिला रामकृष्ण परमहंस जी? वस्तुतः स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि
मैंने क्या मेरे गुरु ने भी कोई मौलिक बात नहीं कही। इसका अर्थ क्या है कि सारी परंपरा जो भारतीय परंपरा है उस परंपरा को ही जी रहे थे रामकृष्ण परमहंस और वही आगे उन्होंने स्वामी विवेकानंद को दी। ये सही है कि एक स्वप्न जो माँ शारदा ने देखा कि रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को दे रहे हैं और रामकृष्ण परमहंस गंगा में घुल गए हैं और स्वामी विवेकानंद उस पानी को सारे संसार में उछाल करके छिड़क करके पहुंचा रहे हैं। अर्थ वही है कि उनके विचारों को वो या उनके दृष्टिकोण को, विचार जो हम कहें वो तो उपनिषदों में भी वही हैं, वेदों में भी वही हैं, गीता में भी वही हैं, वेदांत में वही, लेकिन जिस दृष्टिकोण को लेकर रामकृष्ण परमहंस चल रहे थे उसको उन्होंने सब कुछ विवेकानंद को जिस समय दे दिया। एक रोज कहा कि जा नहा करके आ, तुझे देना है, वो स्नान करके आए बैठे और इन्होंने जिस तरह से शक्तिपात होता है उस तरह से जो कुछ भी इनके पास अपना था वो दे दिया और देने के बाद बोले कि सब कुछ दे दिया, अब मैं कंगाल हो गया। यानी इस सीमा तक उन्होंने शिष्य को दिया। निश्चित रूप से आगे जो कुछ विवेकानंद ने किया वो बार बार कहते हैं कि मैं गुरु का ही काम कर रहा हूँ। एक बात और इसमें ध्यान रखने की है कि जिस समय विवेकानंद मांग रहे थे उनसे कि मुझे वो समाधि दो, निर्विकल्प समाधि दो, तो गुरु सदा उसको रोकने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन एक रोज़ जब उनको वो प्राप्त हो गया तो गुरु ने ये कहा कि माँ ने तुझे ये सब कुछ दिखा दिया है, लेकिन अब ये चाबी जो है ये बक्से में बंद होगी और इसकी चाबी मेरे पास रहेगी जब तक तू माँ का काम नहीं कर लेगा। तो गुरु का काम जो था वो वस्तुतः माँ का काम था। इस हमेशा एक दिलचस्प सवाल जहन में आता है, रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे महात्मा रहे, एक ऐसे गुरु रहे जिनका शिष्य मंडल बहुत बड़ा था, बहुत विस्तारित था, बहुत सारे शिष्य थे। ये तमाम ज्ञान या किसी को सब कुछ दान करके कंगाल होना है तो वो विवेकानंद ही हो, ये कैसे तय होता है? यानी गुरु का सबसे प्रिय शिष्य विवेकानंद होगा ये कैसे तय होता है? या आपने जो जीवन देखा विवेकानंद का या उस पर लिखा है उसमें आपको उनकी ऐसी क्या खासियतें दिखती है कि रामकृष्ण परमहंस को लिखा ये वो सही शख्स है जो मेरी चीज़ों को आगे बढ़ाए? देखिए उनकी जीवनी को यदि आप पढ़ें तो उसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं। आरंभ जहाँ से होता है कि विवेकानंद के पड़ोस में एक सज्जन हैं जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं या उनको मानते हैं, उनके घर में रामकृष्ण परमहंस आए हैं, वहाँ गाना है, जो गाने वाले हैं वो आए नहीं हैं। विवेकानंद जो उस समय नरेंद्र थे बहुत अच्छा गाते थे, उनका किन्नर कंठ उनको कहते थे रामकृष्ण, तो उनको बुलाया गया और उनको कहा गया गा। तो दो एक भारतीय शास्त्रीय संगीत के बाद उन्होंने घर चलो मन गाना गाया। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा यही सीखा है कि और भी है? तो और भी सीख, अच्छा मुझसे मिलने आना, ये कह के वो चले गए। विवेकानंद पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी जाने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन एक बार उनके जो विवाह का प्रसंग है वो मज़ेदार है कि घर वाले माता पिता उनका विवाह करना चाह रहे हैं और ये बार बार टाल रहे हैं। इनके एक मामा हैं, उनको कहा गया कि तू इसको समझा। जब उन्होंने पूछना शुरू किया कि तू विवाह क्यों नहीं करता, बहुत सारे प्रश्न किए, क्या इसलिए, क्या इसलिए, सबसे उसमें रोचक तो ये है कि लड़की सांवली है इसलिए नहीं करना चाहता, तो बहुत सारी चीज़ें थी, उनका नहीं। अंत में विवेकानंद ने कहा कि मैं ईश्वर को खोज रहा हूँ, पत्नी को नहीं। ये सुन करके उनके मामा ने कहा तो फिर इधर उधर कहाँ टक्करे मार रहा है, दक्षिणेश्वर जा और ठाकुर के चरण पकड़ ले। ये आरंभ है जो उनको बतलाया गया कि रास्ता तुम्हारा ये है। लेकिन विवेकानंद उस, जैसे हम कहते हैं ना कि नए युग के पढ़े हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक, वो कहते हैं कि जो मुझे भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिक नहीं दे पाए वो काली मंदिर का ये पुजारी देगा? तो उनके मामा ने कहा हाँ,
वो पुस्तकों को नहीं जानते पर वो ईश्वर को जानते हैं, तो जा। इसके बाद भी और घटनाएं हैं कि कैसे वो उनको ले जाया गया, और जब गए हैं तो उन्होंने ये कह के ही वो गए हैं कि यदि उस काली मंदिर के पुजारी ने रसगुल्लों से मेरा अच्छी तरह स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया, तो मैं उसको दिखा दूंगा। यानी ये एक बड़ा उदंड सा उग्र आक्रामक दृष्टिकोण लगता है, लेकिन उनको तब तक शायद विश्वास ये नहीं। बात इसीलिए कोहली साहब इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये होता है कि गुरु ने शक्तिपात किया है, गुरु से सब कुछ मिला। एक ये होता है कि जैसा विवेकानंद ने सबके लिए कहा है कि आपके अंदर ऑलरेडी सारा ज्ञान भरा हुआ है, आपके अंदर सारे वेदों का ज्ञान समाहित है, उसको तराशने की जरूरत है, उसको निकालने की जरूरत है, और जो तकनीक उसे निकालती है वही एजुकेशन की तकनीक है या शिक्षा पद्धति उसी को कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर आप क्या ये कहा जाए कि विवेकानंद में सब कुछ पहले से था, उसे तराशने का काम? जो कुछ आपने कहा बात वही है कि विवेकानंद कहते हैं गुरु अपनी निरर्थकता सिद्ध करता है, कोई देता नहीं है, जो कुछ आपके भीतर है उसका विकास करता है। लेकिन विकास की पद्धति जो है, जिस तरह से जब ये उनके पास गए हैं, पहली बार गए हैं, तो जो प्रश्न ये सबसे करते थे वही उनसे पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है, ईश्वर की बातें करते हैं, सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं। तो इनका कहना था कि यदि ईश्वर है तो वो उसको देखा जा सकता है, उससे बात की जा सकती है, उसी तरह से जैसे हम एक दूसरे से करते हैं। इस रूप में जो कोई भी साधु संत होता था उससे, देवेंद्रनाथ से भी यही पूछा था, आपने ईश्वर को देखा है? वही बात जाकर के इन्होंने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से पूछी। तो पहली बार इनको ये उत्तर मिला, हाँ देखा है और तुम्हें भी दिखाऊंगा। उससे थोड़ा ये चकित हुए कि ये कैसा आदमी है, थोड़ा पगला सा है, व्यवहार उसका थोड़ा सा असाधारण है। कोने में ले गए अपने, जहाँ रहते थे मकान में, बरामदे में ले गए, रोने लगे, तू अब तक कहाँ था रे, तू अब तक क्यों नहीं आया। ये चीज़ें बताती हैं कि वो उनकी प्रतीक्षा में थे, वो जानते थे कि एक व्यक्ति को आना है और वो व्यक्ति कौन होगा, सप्तऋषियों में से एक होगा। इसकी एक दूसरी भेंट जो हुई, जिसमें वो उनको गंगा तट पर एक बाग में ले गए और वहाँ उनको एक तरह से अचेत करके उनको पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आया है, जिसमें जो आप कह रहे हैं ना कि उनको कैसे पता चला कि यही व्यक्ति मेरा मुख्य शिष्य होगा, तो उसका सारी अगली पिछली जन्म कुंडली उन्होंने देख ली कि ये सप्तऋषियों से कसौटी पे उसको कसके देख लिया, कसके परख के करके। फिर भी उसके बाद ये है कि विवेकानंद तो इतनी जल्दी मानने वाले थे नहीं, वो लगातार बहस कर रहे हैं, लगभग 6 वर्ष गुरु शिष्य का ये, वो जाते रहे उनके पास, लेकिन ब्राह्म समाज को मानते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, काली की पूजा नहीं करते थे, काली मंदिर में जा करके नमस्कार नहीं करते थे किसी तरह से भी। एक रोज गुरु ने बहुत रुष्ट होकर कहा कि जब तू मेरी बात नहीं मानता तो यहाँ क्या करने आता है। तो ये उत्तर देखिए कि विवेकानंद कहते हैं, आपसे प्रेम करता हूँ इसलिए आता हूँ, बात मानू ये जरूरी है क्या? ये शिष्य का, ये जो दो बातें हैं इनको मैं, क्योंकि अभी ये दर्शक भी जानना चाहते हैं और हमेशा से एक जिज्ञासा रहती है, ईश्वर को देखा है नहीं देखा है, पर सीधा सीधा जवाब किसी ने दिया तो रामकृष्ण परमहंस ने दिया कि हाँ मैंने माता को देखा है, अभी भी देखता हूँ, तुझे भी दिखा सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने जिस वजह से भी भरोसा किया उन्होंने भी किया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, क्योंकि आपने उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पढ़ा है, समझा है, ईश्वर का क्या वो साक्षात रूप हो सकता है जिसके बारे में रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, और विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें किस रूप में देखा है, ये कैसे समझाएंगे? देखिए, अगर इसको बिल्कुल दो वाक्यों में मैं कहूं कि विवेकानंद बिल्कुल अंत में जब अमेरिका में हैं, अपने शिष्यों को, अमरीकी शिष्यों को बता रहे हैं, तो वहाँ साकार और निराकार वाली जो बात आती है उसमें उन्होंने कहा कि मेरे गुरु भी, उनको माँ दिखाई देती थी, माँ से बात करते थे, हर तरह के प्रश्नोत्तर होते थे, जीवंत संपर्क था जैसे होता है, पर समाधि में उनको भी केवल ब्रह्म दिखाई देता था। यानी वहाँ जब आप उस स्थिति में पहुँचते हैं, आत्म साक्षात्कार की स्थिति में, जो वेदांत का अंतिम लक्ष्य है, उस समय बाकी ये सारी चीज़ें जो, जिनको साकार आप कहते हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं और केवल एक वो परमात्मा
ब्रह्म जो है, जो शरीर में आत्मा के रूप में है, बाहर परमात्मा के रूप में है, उसी को जानते हैं। और ये आत्म साक्षात्कार जिस समय होता है वो प्रकाश के रूप में है। उसको यहां तक कहा विवेकानंद ने कि एक वो लालटेन जैसे प्रकाश है, उसके ऊपर आप टीन का एक टीन डाल दीजिए तो वो अंदर दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस टीन को चिकना करते जाइए इतना कि वो शीशा हो जाए, तो वो प्रकाश तो वहां है जो हमारे भीतर है। हमने उस पर परतें चढ़ाई हुई हैं, रजोगुण की, तमोगुण की, वो जैसे हटेगा सत्व बढ़ेगा, जितना बढ़ाएंगे तो उसको आना कहीं से नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो है, वो स्वयं प्रकाशित हो जाएगा आत्म साक्षात्कार। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है, ब्रेक के बाद भी अवेकनिंग इंडिया का ये सिलसिला जारी रहेगा, और ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद बनने के लिए रामकृष्ण परमहंस कितने जरूरी हैं। ये तो आपने समझ लिया, लेकिन क्या रामकृष्ण परमहंस के जो ये गुरु शिष्य परंपरा होती है, उन्हें कहां से ये सारा ज्ञान मिला था, और क्या बिना गुरु के भी कोई ज्ञान हासिल कर सकता है? आजकल हम देखते हैं कि लोग ऐसे लोगों को तलाशते हैं जो तगड़ी रकम को इन्वेस्ट कर पाए, लेकिन वो ऐसे शख्स को नहीं तलाशते हैं जो रामकृष्ण परमहंस की तरह वो शक्तिपात कर दे जिससे सिर्फ अपना उद्धार ना हो, पूरी दुनिया का कल्याण हो। तो एक ब्रेक के बाद डॉक्टर नरेंद्र कोहली से इस विषय पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह ब्रेक पर जाने से पहले स्वामी विवेकानंद के एक मजबूत विचार के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं। यदि तुम पवित्र और सच्चे हो तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें तुम जैसे सैकड़ों चाहिए जो समाज पर टूट पड़े और जहां भी जाएं नवीन जीवन एवं आत्म शक्ति प्रदान करें। सिनी जगत की अवार्ड विनिंग फिल्म जहां भाषाओं का है इंद्रधनुष, भारत के जाने माने निर्देशकों की बेहतरीन फिल्में, आपसे जुड़ी आपकी कहानियां जो दिखाएं समाज का आईना। देखिए बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा हर रविवार रात 10 बजे और सोमवार रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है अवेकनिंग इंडिया में। आज हम विवेकानंद के जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम पर बातचीत कर रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा के बारे में हम सुनते आए हैं, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के संबंध के बारे में भी आपने बहुत कुछ पढ़ा सुना है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा आखिर होती क्या है और रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का यह संबंध कैसा था, इसके बारे में आपको देश के जाने माने विचारक और साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली जानकारी दे रहे हैं। आज अवेकनिंग इंडिया में हमारे साथ वो बने हुए हैं। डॉक्टर कोहली, ब्रेक से पहले भी जैसा हमने बातचीत की कि रामकृष्ण परमहंस ने तराशा एक तरीके से विवेकानंद के अंदर, जो खुद उनका विचार था कि हम सबके अंदर ज्ञान है, उसे बाहर निकालने की जरूरत होती है और जो इसमें मददगार होता है वो सच्चा गुरु होता है। हम जब गुरु शिष्य की बात कर रहे हैं उसमें रामकृष्ण खोज रहे हैं, और वो यहाँ तक है कि वो खड़े होकर अपनी छत पर कहते हैं आओ आओ आओ, इस तरह की घटनाएं हैं, और उनके 12 शिष्य ये आए, उसके विस्तार में नहीं जाते, लेकिन ये घटनाएं जरूर हैं कि ऊपर बैठे हुए वो ऊपर बैठे हैं रामकृष्ण, और नीचे उनके शिष्य तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी कहिए ध्यान कर रहे हैं, और विवेकानंद अपने साथी अभेदानंद को कहते हैं जरा मेरे घुटने को छू, जिससे कि सचमुच विद्युत का की जैसी किरणें जाएं, करंट लगे उस तरह से, और उसी समय ऊपर से संदेश आता है कि गुरु कह रहे हैं, डांट रहे हैं नरेंद्र को, विवेकानंद को, कि अर्जन से पहले ही विसर्जन, अर्जन हुआ नहीं और विसर्जन पहले शुरू कर दिया, तूने शक्ति दूसरों को देनी शुरू कर दी। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि 12 शिष्य 12 ढंग से अलग अलग अपनी प्रकृति के हिसाब से अपना विकास करेंगे, तूने उसके विकास को रोके अपने आप को उस पर आरोपित किया है। यानी वो 12 शिष्यों को देख रहे हैं कि सब अपने अपने ढंग से अपना विकास करें, जो उनके भीतर है वही विकसित हो, नरेंद्र के भीतर क्या है वो उन पर आरोपित न किया जाए, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि जिस समय
उस समय तक अभी स्वामी तो खैर वो बने नहीं है, संन्यास अब लिया नहीं है, नरेंद्र जो है वो गुरु के प्रति सारी श्रद्धा के बावजूद उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि गुरु तो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इस कारण से भी कुछ होता है, गुरु पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बहुत सारी बातें हैं। पर एक बार जब गुरु ये कहते हैं, उन्होंने उनको एक पुस्तक दी वेदांत पर पढ़ने के लिए, अष्टावक्र संहिता, उसको पढ़ करके विवेकानंद को लगा कि ये क्या तमाशा है कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। तो उनके गुरु के साथ के कमरे में एक हाजरा नाम के व्यक्ति रहते हैं, उनके कमरे में जाके बैठ के जोर जोर से बोल रहे हैं कि उनके गुरु भी सुन लें कि ये कुर्सी ब्रह्म इधर कीजिए, यह हुक्का ब्रह्म मुझे दीजिए, जरा एक सूटा लगा लूं, इत्यादि इस तरह से बात कर रहे हैं। गुरु ने सुना और रामकृष्ण परमहंस अपनी अर्ध समाधि की स्थिति में आके उन्होंने पैर से छू दिया। इस अनुभव के बाद जिस समय विवेकानंद बाहर निकले, सड़क पर आकर के खड़े हुए हैं, तो खड़े ही हैं, हट नहीं रहे, सामने से टांगा आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, लोग पकड़ के घसीट के एक और करते हैं कि ये क्या करता है, मरेगा क्या। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि घोड़ा भी वही है जो मैं हूं, मुझमें और घोड़े में कोई अंतर नहीं है। घर आकर के बैठते हैं, माँ खाना परोसती हैं, खाते नहीं है। माँ कहती क्या बात है, भूख नहीं है, बीमार है, तभी ठीक नहीं, खाता क्यों नहीं। माँ को ये नहीं बता सकते कि भात भी वही है जो मैं हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तब उनकी समझ में आता है कि गुरु ने मुझे क्या दिखा दिया, सब कुछ। ये वेदांत की जो स्थिति है कि अंततः एक ही तत्व है, उसी तत्व के ये विभिन्न रूप हैं, जिसको लोग इतनी तपस्या के बाद प्राप्त करते हैं, उसको गुरु ने ये एक क्षण में उनको दिखा दिया। ये जो आपने बताया, ये परंपरा या इस तरह के गुरु शिष्य के संबंध मिलना बहुत 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 कम ऐसे किस्से मिलते हैं या बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं। क्या होता है, ये गुरु की खासियत है कि उसने अपने शिष्य में इतना प्रेम भरा है, वो जो कि वर्जनाओं पूर्वाग्रह से लबरेज था, उसकी सारी वर्जनाओं पूर्वाग्रह को तोड़ते हुए उसमें शक्तिपात करते हैं, ज्ञान भरते हैं और इतना प्रेम भर देते हैं कि जो आपने अभी घटना बताई वो ऐसी घटना भी सामने आती है। तो ये गुरु की शक्ति है या शिष्य और गुरु का ये वो कॉम्बिनेशन था जो कभी कभी बनता है? मैं तो यही कहूँगा कि भाई गुण दोनों ओर से है। गुरु इतना दे, इसी गुरु के पास, रामकृष्ण परमहंस के पास उनका अपना भांजा 25 वर्ष रहा और वो हर समय यही कहता रहा कि मामा जो आते हैं भक्त लोग उनसे पैसा मांग, उनसे पैसा मांग। अंततः ठाकुर ने कहा माँ से कि इसको हटा लो। अगर उस व्यक्ति में वो तत्व नहीं है, ग्रहणशीलता नहीं है, तो गुरु कितना भी देगा, अगर पानी नदी बहती है, चट्टान उसको अपने भीतर आत्मसात नहीं कर पाती पानी, तो पानी बह जाता है, लेकिन सरोवर है तो वो पानी को अपने भीतर ले लेता है। इसलिए गुरु भी वैसा चाहिए तो शिष्य भी। अब ये कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच गए, एक फाइनल कमेंट इस बात पर जरूर आपका चाहूंगा, आज गुरु शिष्य परंपरा को आप कहां देखते हैं? देखिए, एक होता है अध्यापक और छात्र, एक होता है गुरु और शिष्य, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो आज के बच्चे जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो नहीं जानते कि वो किससे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो फीस देते हैं और स्कूल कॉलेज में चले जाते हैं। जो अध्यापक वहाँ आया है वो वेतन लेकर के पढ़ाने आया है, उसको नहीं पता है कि वो किसको पढ़ाने के लिए जा रहा है जी। इसलिए उनका व्यक्तिगत संबंध बनना बड़ा कठिन है। कभी कभी ऐसा होता है, हम भी अपने छात्र जीवन में बहुत सारे शिक्षकों से कहिए, अध्यापकों से कहिए, पढ़ के आए, पचासों में से एक आध होता है जिसको आप कहते हैं वो मेरे गुरु थे। उसी तरह से 32 वर्ष मैंने पढ़ाया, मेरे उन छात्रों में से अगर दो चार ऐसे निकल आए जो कहें कि ये हमारे गुरु हैं, तो वो सौभाग्य की बात होती है। और गुरु शिष्य की परंपरा में रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का क्या संबंध था, मुझे पूरी उम्मीद है अवेकनिंग इंडिया के आज के एपिसोड में ये आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेंद्र पुली, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी और हम रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद को तो समझ ही पाए, वो जो संबंध था, वो कहते हैं ना जैसे स्वाद को रंग को नहीं समझा जा सकता, वैसे संबंधों को भी नहीं समझा जा सकता, लेकिन आपने कुछ किस्सों के जरिए, कुछ घटनाओं के जरिए बहुत बेहतर तरीके से ये
बातें हम तक रखी है, बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए। लेकिन अगले हफ्ते डॉक्टर नरेंद्र कोहली एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, जब हम बातचीत करेंगे शिकागो की। शिकागो वो जगह जहां से विवेकानंद के मिशन को नए आयाम मिले थे, नया रास्ता मिला था, और उसके बाद देखते ही देखते पूरी दुनिया में विवेकानंद ने अपने विचारों को पहुंचा दिया था। आज के लिए इतना ही। आप अपने सुझाव हमेशा की तरह हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी बात अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो awakeningindia.dd@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है। ईमेल के जरिए आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए मुझे और डॉक्टर नरेंद्र कोहली को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते अवेकनिंग इंडिया में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। ये जीवन आता जाता है, धन यश सुख तो कुछ ही दिन के लिए है, कर्म क्षेत्र में सत्य के लिए प्राण त्याग करना एक कीट की भांति मरने से कहीं उत्तम है।